अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। टीचिंग जॉब्स इन दुबई यूएई के फेसबुक पेज से मैं हाज़िर हूँ फ्रेंड। आज भी हम सर्च करेंगे कौन सी न्यू जॉब्स आई हैं, क्या प्रोसेस है और किस तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं। सो फ्रेंड चलते हैं पेज की जाने, और सबसे पहले हम जाएंगे पोस्ट के ऑप्शन पे, देन सर्च करेंगे। और आपको ये भी बताते चलूँ कि टीचिंग एजुकेशन से रिलेटेड इसमें काफ़ी जॉब्स आती हैं, जो कि टीचर्स की भी होती हैं, प्रिंसिपल्स की भी होती हैं, और इसके अलावा जो भी इससे रिलेटेड होते हैं एजुकेशन और टीचिंग से रिलेटेड, तो उनकी काफ़ी अलग अलग पोजीशंस की जॉब्स आती हैं, तो लाजमी चेक करा करें, और जो कि डेली बेसिस पे अपडेट होती हैं। तो और अगर आपको अप्लाई करने में कुछ भी इशू हो तो आप जो है वीडियो लाजमी चेक करा करें, क्योंकि आपके लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो होगी ये। सो फ्रेंड हम आ गए हैं, और ये तमाम जो है न्यू जॉब्स हैं जो कि डेली बेसिस पे अपडेट होती हैं। ये मिडिल स्कूल प्रिंसिपल रिक्वायर इन दुबई, नर्सरी असिस्टेंट रिक्वायर, तो आप अपने क्राइटेरिया के हिसाब से और अपना एक्सपीरियंस के हिसाब से आप चेक कर सकते हैं, देन आप उनकी डिटेल्स चेक करें और अप्लाई करें। सो फ्रेंड ये देख रहे हैं कि काफ़ी जितने आप नीचे जा जाएंगे फर्दर जॉब्स आती रहेंगी। सो फ्रेंड हम जो है आज इस जॉब की डिटेल्स चेक करते हैं और देखते हैं कि क्या इनकी रिक्वायरमेंट है और किस तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं। सो फ्रेंड हम आ गए हैं इस पेज पे, और इस पेज पे आपको सारी डिटेल्स मिलेंगी। तो अब देखते हैं, नर्सरी असिस्टेंट रिक्वायर इन दुबई, क्वालिफाइड फीमेल नर्सरी टीचर, बैचलर डिग्री इन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन और कैशियर लेवल टू कंप्लीटेड, मिनिमम 3 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन सेम फील्ड, विलिंग टू वर्क इन MBZ सिटी, फैमिली हस्बैंड वीज़ा। सो फ्रेंड इनको नर्सरी असिस्टेंट रिक्वायर है, जो कि क्वालिफाइड फीमेल नर्सरी टीचर हो और बैचलर डिग्री हो इन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन और कैशियर लेवल टू कंप्लीटेड हो, मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस हो आपका सेम फील्ड का टीचिंग का, और विलिंग टू वर्क MBZ सिटी जो है उसमें आप काम कर सकें, और जो वीज़ा है आपका हस्बैंड या फैमिली वीज़ा आपका पास होना चाहिए। सो अगर आप में से जो कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं और अप्लाई करना चाहते हैं और इनकी इनका जो क्राइटेरिया आप उसी के लिए एलिजिबल हैं, तो बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले हम जाएंगे इस लिंक पे। सो फ्रेंड हम आ गए यहाँ पे, ये सारी वही डिटेल्स हैं जो कि हमने प्रीवियस पेज पे देखी है। तो आपको सबसे पहले आकर यहाँ पे अप्लाई के बटन पे प्रेस करना है, देन ये आपसे पूछेगा कि आप कौन से अकाउंट से कंटिन्यू होना चाहेंगे। कि अगर आप जीमेल पे लॉगिन है तो आप कंटिन्यू विद गूगल करेंगे, अगर फेसबुक पर हैं तो कंटिन्यू विद फेसबुक, इसी तरह अगर ऐपल पे हैं तो कंटिन्यू ऐपल। हम जीमेल पे लॉगिन है ऑलरेडी, तो हम कंटिन्यू विद गूगल करेंगे। सो फ्रेंड ये हमारा अकाउंट जो है लिंक हो रहा है, देन हमें कुछ भी ना रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ी और ना कुछ, बस ये थोड़ा सा प्रोसेस लेता है। अच्छा, ये पेज जो है ऑटोमेटिकली रिफ्रेश होगा, देन हम अपना प्रोसेस करेंगे। सो फ्रेंड अब हम यहाँ आ गए, और यहाँ देखें कि एक शॉर्ट फॉर्म आ गया है जो कि हमें लाजमी फिल करना है, और ये एक बायोडाटा फॉर्म है, ये लाजमी फिल करने के बाद हम अपनी अपलोड करेंगे CV, देन अप्लाई, हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। सो फ्रेंड सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ मेंशन करेंगे, इसके बाद जेंडर है, फिर नेशनलिटी है, फिर आपका जो एजुकेशन है लास्ट डिग्री जो है, फिर आपका टीचिंग में एजुकेशन में कितना एक्सपीरियंस है वो मेंशन करेंगे, और करंटली आप एम्प्लॉय हैं अनएम्प्लॉय हैं दोनों सूरतों में आपको मेंशन करना है। सैलरी एक्सपेक्टेशन आपकी कितनी कितनी सैलरी पे आप काम करना चाहते हैं, और नोटिस पीरियड के आप कितनी टाइम ड्यूरेशन में ज्वाइनिंग दे सकते हैं, और वीज़ा स्टेटस आपका क्या है, और यहाँ पर आप अपने बारे में शॉर्ट समरी डिस्क्राइब करेंगे जो भी आपके स्किल्स हों। देन आपको फाइनली यहाँ पे अपलोड करनी है अपनी करंट अपडेटेड CV विद पिक्चर के साथ, देन ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आप अप्लाई करेंगे। सो फ्रेंड आपकी CV जो है सबमिट हो जाएगी, देन इनका प्रोसेस होगा, और जब ये शॉर्ट लिस्टेड कर लेंगे तो ये जो उन कैंडिडेट्स को ही कॉल आउट करेंगे जो कि शॉर्ट लिस्टेड हो जाएंगे। अगर आप भी शॉर्ट लिस्टेड होंगे तो आपको कंपनी कॉन्टेक्ट कर लेगी, देन फर्दर प्रोसेस आपको पता चल जाएगा। इसके अलावा जो इसमें सैलरी और बेनिफिट मेंशन नहीं किया हुआ, वो एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू आपसे डिस्कस कर लिया जाएगा। सो फ्रेंड ये प्रोसेस था इस जॉब पे अप्लाई करने का, और ये इनकी रिक्वायरमेंट थी। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। सो फ्रेंड मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा बहुत, अल्लाह हाफिज़।